हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि अभी तक इस मॉनसून में हमारे 300 से 350 करोड़ रुपए की कीमत के संसाधन बह गए हैं, जिसमें 3 से 4 पुल भी शामिल हैं और कई सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री अभी केरल जाकर आए हैं। हमारा प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से अनुरोध रहेगा कि हिमाचल भी आए और हिमाचल को भी इस मुश्किल घड़ी में पूरा सहयोग दें, जिससे यहाँ बहाली के काम को जल्द पूरा कराया जा सके। ये नुकसान तो हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को बहुत हुआ है और लगातार ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभी तक इस मानसून में करीबन 300-350 करोड़ रुपए का जो असेट्स हमारे हैं वो बहे हैं, जिसमें करीबन 3-4 ब्रिजेस बह गए हैं, सड़कों का नुकसान हुआ है और भी नुकसान हुआ है, मगर उसमें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। रेस्टोरेशन का काम चला हुआ है। अभी पीछे जो हमारा बागीपुल इलाका है जिला कुल्लू में, वहां पे रिकॉर्ड 5 दिन के अंदर जो है ब्रिज को वहां पर रिस्टोर किया गया है और नया ब्रिज वहां पर जो है बेली ब्रिज लगाया गया है। वैसे ही केदस इलाका है, वहां पर भी ब्रिज को लगाया जा रहा है। और भी ऐसे इलाके जो प्रदेश में क्षतिग्रस्त हुए हैं, वहां पर हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि इमीडिएटली रेस्टोरेशन करवाई जा सके ताकि लोगों को उसका फायदा मिले, खास करके पहाड़ी इलाकों में। हिमाचल के अभी सेब का सीजन है और ये हमारी प्राथमिकता है कि वहां पर सेब मंडियों पे समय पर पहुंचे ताकि उसकी सुविधा जो है वो क्षेत्र के लोगों को मिले, इसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारे प्रदेश के निचले इलाके हैं, चाहे ऊना है चाहे कांगड़ा है, पिछले कल ऊना जिला के हरोली में भी काफी नुकसान हुआ है। वहां पे जो हमारे उप मुख्यमंत्री है आदरणीय मुकेश जी, उन्होंने जाकर मौके पर निरीक्षण किया है और जो भी सहयोग उसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा होगा उसको हम पूरी मजबूती से करेंगे, ये भी मैं कहना चाहूंगा।